सिटी की न्यू जनरेशन का फेसलिफ्ट आया है। एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर्स में भी उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए, उनके बारे में बात करेंगे। बट यहाँ सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ, ये हमारा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ZX, और ये मैनुअल में अभी जो वेरिएंट है हमारे सामने खड़ा है। इसमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, और साथ में ये नया कलर इस बार होंडा ने इंट्रोड्यूस किया है, ऑब्सीडियन ब्लू कलर करके इसका नाम यहाँ पे रखा गया है। सो सबसे पहले मैं कीज़ दिखा देता हूँ एक बार इसकी। ये कुछ आपको कीज़ इसकी देखने को मिल रही है, लॉक अनलॉक, और इसको होल्ड करके रहोगे तो जो आपका बूट है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी इस साइड पे आपको होंडा की बैजिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक्सटीरियर जो चेंजेस है वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी, स्पेशली इसकी जो ग्रिल इन्होंने अपग्रेड करी है, और उसके साथ साथ में जो फ्रंट बम्पर्स हैं इससे काफ़ी ये स्पोर्टी लुक लेके आई है। बट सबसे पहले यहाँ मैं आपको इसका इंजन बे ओपन करके दिखा देता हूँ। आपको इसका ये इंजन सेटअप मिल रहा है, 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन दिया जाता है। सो रिफाइनमेंट अच्छी रहेगी और वाइब्रेशंस काफ़ी कम रहेगी, क्योंकि ये आपका 4 सिलेंडर इंजन आ रहा है। एंड पावर आउटपुट की मैं बात कर लूँ तो 119 BHP की पावर मिल जाएगी, एंड 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एमरॉन की बैटरी दी गई है, उसके अलावा इंसुलेशन वर्क आप देख रहे हो बैक साइड में, तो प्रॉपरली कवर्ड दिया गया है। ऊपर के जो हुड है इसमें भी आपको प्रॉपरली इंसुलेशन देखने को मिल जाएगी। इवन जब मैं आपको बूट खोल के दिखाऊंगा तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे तरीके से इंसुलेशन वर्क किया गया है। अब यहाँ पे आप देख लो जो होंडा की बैजिंग है ये क्लियरली दिख रही है। ग्रिल यहाँ पे अब आपको चेंज देखने को मिल जाएगी। अगली आने वाली जितनी भी SUVs है होंडा की उनमें कुछ इसी टाइप की पैटर्न की ग्रिल आएगी। बाकी ये जो क्रोम वर्क है ये थोड़ा स्लीक कर दिया गया है, देखने में और प्यारा लगता है। कंटिन्यू रखा गया है इन्होंने ऊपर DRL के ऊपर, और उसके अलावा ये आपकी आ जाती है LED DRLs, और सारी जितनी भी लाइट्स है फॉग लैंप से लेके ऊपर ये वाली फ्रंट लाइट तक सारी LED सेटअप में रख दी गई है। ये DRL है जो एज अ टर्न इंडिकेटर का भी काम करती है। एंड यहाँ पे ये 9 स्लॉट्स की लाइट्स हैं, मतलब ये जब पूरी ग्लो करती है काफ़ी प्यारी लगती है यहाँ पे देखने में। और नीचे की साइड में आपको आ जाती है फॉग लैम्प, तो ये जो ग्रिल है ये काफ़ी इसको एक मस्कुलर टाइप का फील देता है। एंड साथ में जो इसका जो ये बम्पर है काफ़ी मस्कुलर टाइप का फील देता है, एंड उसके अलावा एक स्पोर्टी लुक यहाँ पे पूरा इसको प्रोवाइड करती है। मैं जूम करके थोड़ी बहुत डिटेलिंग्स दिखा दूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। यहाँ पे कार्बन फिनिश टाइप का पैटर्न भी दिया गया है जो आपको पिछले बम्पर पे भी देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे भी आपको चेंजेस मिल जाएंगी। बाकी बात करते हैं इसके व्हील्स की, अब व्हील का डिज़ाइन भी चेंज आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिलेगी, मैकफर्सन सस्पेंशन दी गई है, और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक दी गई है। सो ये काफ़ी प्यारा सेटअप लगा। इसका जो टायर सेक्शन है ये आपको मिल जाएगा 165x55R16, सो 16 इंच इसके व्हील दिए गए हैं। ये ओवरऑल लेंथ है गाड़ी की 4549 mm की इसकी जो लेंथ है, उसके अलावा व्हील बेस आपको 2.6 meters का दिया जाता है, एंड साथ में ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगी 165 mm की, तो ये भी ठीक है, मतलब सेडान के हिसाब से काफ़ी सही देखने को मिलती है। बट इनके जो कुछ कंपटीशंस भी हैं जैसे वर्टस आ गई और स्लाविया आ गई, उनमें थोड़ी सी ज़्यादा है। बट अब देखना रहेगा जो मेन कंपटीशन इसका आने वाला है वरना, जो कि अभी रिसेंटली 10-15-20 दिन में लॉन्च हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ आ जाते हैं ORVMs पे, तो ये पहले से ही काफ़ी शानदार थे। यहाँ पे आपको LED DRLs मिल जाती है काफ़ी स्लीक लाइन के साथ में, बॉडी कलर्ड ORVM है, और यहाँ पे आपको क्रोम में मिल जाते हैं इसके डोर हैंडल्स। ड्राइवर साइड आपको मिल जाएगा रिक्वेस्ट सेंसर एंड की इंसर्ट। एंड यहाँ पे मैं को पैसेंजर वाली साइड आ गया तो यहाँ पे भी आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर दिया जाता है। अब यहाँ पे गाड़ी के रियर सेटअप पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। आपके पास शार्क फिन एंटीना आ जाता है, रियर डिफॉगर आ जाएगा, यहाँ पे आपको स्पॉइलर भी दिया गया है जो कि अगेन थोड़ा गाड़ी को और एक इम्प्रूव लुक प्रोवाइड करेगा। तो मैंने कहा ये स्पोर्टी लुक बनाने की इन्होंने पूरी कोशिश की इस बार इसको, तो यहाँ देख सकते हो आप LED लाइट्स आ जाती है। यहाँ पे भी आपको लाइट्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट आपकी आ जाती है, साथ में नीचे भी आपको ये कार्बन फिनिश टाइप का जो पैटर्न है इसके बम्पर पे दिया गया है, एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। बीच में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, और अंडर बॉडी आप देख सकते हो पूरी कवर्ड देखने को मिल जाएगी आपको। यहाँ पे आपकी आ जाती है लाइसेंस प्लेट, होंडा की बैजिंग, और इसको हम ओपन करते हैं सो ये आपका पूरा ओपन हो जाता है। एंड जो स्पेस है ये भी काफ़ी सही है, 506 liters का आपको इसमें बूट मिल जाएगा। फ्लैट बूट है, यहाँ पे साइड पूरी आपको कवर्ड मिल जाती है, इवन ऊपर का जो पैनल है ये भी आपको पूरा कवर्ड देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ आपका आ जाता है स्पेयर व्हील, सो 15 inches का आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा स्टील रिम में, एंड यहाँ पे कुछ और टूल्स प्रोवाइड हो जाते हैं। ये आपकी आ जाती है स्टॉप लाइट, एंड यहाँ पे आपने देख ली, एक बार क्लोज करके दिखा देता हूँ जो टेल लाइट है। तो ये टेल लाइट का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, एंड बम्पर अगेन मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा सही लगा। 4 पार्किंग सेंसर्स आपको आ जाएंगे, एंड ये आपका आ जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें।
गाड़ी के अंदर चलते हैं। सबसे पहले डोर ओपनिंग मैं दिखा दूँ, काफ़ी वाइड डोर ओपनिंग है, ड्यूल टोन में आपको ये दिया गया है। और मैं इसकी प्राइसिंग आपको बताना भूल गया, तो प्राइसिंग की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो ये इसका ZX मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है, जो कि आपको 14,72,000 एक शोरूम में पड़ जाएगा। और इसकी बेस वेरिएंट की जो प्राइसिंग है, मतलब जो बेस वेरिएंट है, वो स्टार्ट होता है 11,49,000 का। सो इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ से आप जो बूट है, वो बूट यहाँ से अपना टेल गेट है वो आप रिलीज़ कर सकते हो। ये आपके आ जाते हैं बोनट हुड रिलीज़ करने का, और ये फ्यूल लिड रिलीज़ करने का आ जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बॉटल होल्डर, 4 स्पीकर्स, 4 ट्वीटर्स आ जाते हैं। साउंड क्वालिटी गाड़ी की अच्छी है, मैंने अभी म्यूज़िक सुना। ऑल 4 पावर विंडोज़ के बटन, चाइल्ड सेफ्टी लॉक अनलॉक, ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पे आ जाते हैं। अनलॉक एंड आपका सिल्वर कलर का दिया गया है, यहाँ पे भी आपको प्रीमियम टच दिया गया है। सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, लेदर मटेरियल यहाँ पे। और अंदर की बात कर ले तो जो ड्राइवर सीट है, ये आपको मिल जाएगी 8-way मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ, जिसमें आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट ऑफर किया गया है, और उस साइड पे आपको 6-way के साथ ऑफर हो जाती है। अब इसमें जो मुझे काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, मैनुअल वेरिएंट होने के बाद भी यहाँ पे आपको ADAS के सारे फीचर्स ऑफर हो जाते हैं। और ADAS कहाँ पे आपको मिलता है, आगे की साइड कोई रडार नहीं दिया गया। आप देख सकते हो जैसे कि आगे की साइड आपको कुछ भी रडार वगैरह नहीं दिया जाता, और जो सारा ADAS का जो सिस्टम है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, कैमरा वगैरह लगा हुआ है, और ADAS के सारे फीचर्स आप यहाँ से हो जाएंगे। तो ये कुछ आपको इंटीरियर्स देखने को मिल रहे हैं गाड़ी के। बट सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो, ओके, बूट किसी ने खोल लिया है तो इसका वो वार्निंग दिखा रहा है। तो जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो, काफ़ी अच्छी एनिमेशन यहाँ पे आपको बनी आती है, और फुल डिजिटल डिस्प्ले आपकी आ जाती है, तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये वाला जो है एनालॉग सेटअप है, लाइट वगैरह दिया, और यहाँ से जो ये पूरी डिस्प्ले आपको दिख रही है ना, ये प्रॉपर एक डिस्प्ले आपकी आ जाती है। बाकी ये इसका आ रहा है स्टेयरिंग व्हील और फुल डैश का लुक, ऐसा कुछ आपको लग रहा है। ड्यूल टोन में आता है, पहले भी जैसे आता था वैसे ही कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे आपको वुडन टचेस दिए गए हैं, एंड इसकी वजह से भी जो यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया, एक प्रीमियम लुक गाड़ी का निकल के आता है। तो स्टेयरिंग व्हील में काफ़ी चेंजेस है, ADAS के फीचर्स अब आपको इस साइड पे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, तो जिसका इंटरफेस है वो सेम है एज इट इज़ जो पहले आता था, बट जो ADAS की चीज़ें हैं ये मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी। और मैं जो इम्प्रेस हुआ इसमें, मैनुअल वेरिएंट होने के बाद भी यहाँ पे आपको ADAS के फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। तो ये 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आ जाता है, CVT का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको सारे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे आपको 2 USB के पोर्ट्स मिल जाएंगे, 1 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पे अलग से स्पेस दी गई है फ़ोन रखने के लिए। और ऑटोमेटिक वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको ये नॉर्मल दिया गया है स्पेस, एंड ये 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आपकी आ जाती है, हैंड ब्रेक आ गई, और यहाँ आपको स्टोरेज स्पेस दी गई है, मतलब डिसेंट सी स्पेस है, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं है, बट नॉर्मल सी स्पेस है, आप कुछ भी अपना रख सकते हो। उसके अलावा सीट्स की अगर मैं बात कर लूँ, तो जैसा कि मैं अभी बैठा हूँ, अंडर थाई सपोर्ट मेरे को काफ़ी अच्छी मिल रही है। जो अंडर थाई सपोर्ट होती है, मतलब जो कंफर्ट आपको मिलेगा वो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये थोड़ा सा रेज्ड है, तो इसकी वजह से जो आपका सीटिंग कंफर्ट है वो डेफिनेटली अच्छा हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ गए हैं, साइड कुशनिंग के साथ आपको ये प्रोवाइड हो जाती है, और एक बार ग्लव बॉक्स भी ओपन कर लेते हैं इसका, तो ये कुछ आपको इसका ग्लव बॉक्स देखने को मिल रहा है। डिसेंट सी स्पेस आपको मिल रही है, तो आप यूजेबल स्टफ जो भी अपना रख सकोगे। यहाँ से क्लस्टर की ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हो, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जिसमें रेड कलर की इल्यूमिनेशन आ जाती है, ये आपके सारे लाइट्स के कंट्रोल आ गए विद टर्न इंडिकेटर, और दूसरी साइड आपके आ जाते हैं वाइपर के कंट्रोल्स। इसको आपने बस ऑटो पे रख देना है, तो बाकी सारा काम खुद कर लेगी। और सेम ऑप्शन यहाँ पे आपका, अगर आप इसको यहाँ पे ऑटो पे रखोगे तो ये बाकी जितना काम है सारा खुद कर लेगी। सिल्वर टचेस यहाँ पे दिए गए हैं, इंफोटेनमेंट के कंट्रोल आपको इस साइड पे मिल जाएंगे, ये स्क्रॉल दिया गया है, सो इससे आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, होम पे जा सकते हैं, एंड यहाँ से आप सारे फंक्शंस एसेस कर सकते हैं अपने ADAS के। यहाँ पे आप देख रहे हो लेन कीप असिस्ट दिया गया है, आपको यहाँ पे लेन कीप असिस्ट बना हुआ आ गया जैसे आप ऑन करोगे। सो ये डिस्टेंस दिया गया है कि कितने डिस्टेंस पे आप जो गाड़ी की जो ब्रेकिंग है अडेप्टिव वो रखना चाहोगे ऑन, तो ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे हमने ये MG की भी कुछ कार्स में देखा था, MG की एस्टर में मैंने ये देखा था, तो उसमें भी था, उसमें 3 लेवल्स तक था, इसमें 1
4 to 5 लेवल्स तक इसमें दिया गया, तो कितने डिस्टेंस पे आप इसमें ब्रेकिंग वगैरह अप्लाई करना चाहेंगे वो चीज़ भी इसमें दी गई है। एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे आपका आ जाता है, जो अगली कार है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये अपना जो डिस्टेंस है वो सेट करेगी। देखो कुछ कुछ चीज़ें मुझे इसमें काफ़ी प्रीमियम लगी, जैसे यहाँ पे अब आपको ये एकदम फ्रेमलेस IRVM मिल रहा है, ऑटो डिमिंग के फीचर के साथ आ रहा है, ये लाइट्स आपको LED में दी गई है, सनरूफ के कंट्रोल आपको दिए गए हैं, सो वन टैप के साथ आप इसको ओपन एंड क्लोज़ कर सकते हो। अभी क्लोज़ ही रखते हैं क्योंकि बाहर की जो नॉइस है वो काफ़ी आ रही है, एंड जो शेड है ये आपको मैनुअली कंट्रोल करना पड़ेगा, तो ये छोटा सा सनरूफ है तो इनके शेड्स ऐसे ही आते हैं। यहाँ पे आपका आ गया सन ब्लाइंड, जिसमें आपको वैनिटी मिरर भी दिया गया है, और ये अभी पूरा बंद है तो इसको बंद ही रखते हैं। और यहाँ पे भी आपको देख लो, यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर दिया गया है, एंड इसमें लाइट्स नहीं है बट हाँ नॉर्मल ऐसा कुछ वैनिटी मिरर है। 6 ईयरबैग्स आ जाएंगे इसमें आपके, तो ये कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे लेन वॉच मैं आपको बता देता हूँ, सो यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो एक ब्लाइंड स्पॉट माना जाता है, वहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा, सो वहाँ से आप देख सकते हो। जब भी आप उस साइड पे टर्न कर रहे हो तो यहाँ पे कैमरा आपका ऑन हो जाएगा, देख सकते हो अभी ऑफ है, और उस साइड पे आप देख रहे हो लोग हैं, तो वहाँ पे ये कैमरे से आपकी विजिबिलिटी बढ़ा देता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ से तो आपको क्लियरली दिख जाएगा बट वहाँ के लिए आपको सेपरेट कैमरा दिया गया है। उसके अलावा मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो ये आपका आ जाता है हेडलाइट लेवलर, ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन यहाँ दिए गए हैं, और साथ में इसमें आपको ABS EBD मिल जाएगा, ब्रेकिंग असिस्ट मिल जाएगा, हिल होल्ड कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल तो मैंने आपको दिखा ही दिया यहाँ पे। तो एक बार रिवर्स कैमरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसी विजिबिलिटी आ रही है, तो देख सकते हो बिल्कुल पास है, बीप की वार्निंग्स आ रही है, और जो विजिबिलिटी इसकी पहले से इम्प्रूवड है, जो पहले आती थी उससे इम्प्रूवड है। तो यहाँ पर आप एंगल भी चेंज कर सकते हो, क्लोज ये थोड़ा टॉप व्यू आ गया और ये अल्ट्रा वाइड व्यू आ गया, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, पहले से इम्प्रूवमेंट आ रही है इसमें देखने में हमको। और चलते हैं एक बार रेयर सीट्स पे, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी आपको ड्यूल टोन में आ गया, आपकी बॉटल होल्डर आ गई, और उसके अलावा यहाँ पे पावर विंडो का बटन आ गया, अनलॉक आपको यहाँ पे सिल्वर में दिया गया है। सो ओपन करते ही यहाँ पे जो सबसे इम्प्रेसिव चीज़ लगी मुझे कि आपको यहाँ पे हेडरेस्ट दिए गए हैं, आपको तीनों बंदों के लिए हेडरेस्ट दिए गए हैं, बट ये फिक्स्ड हैं, आई थिंक एडजस्टेबल होने चाहिए थे। बाकी सीट कंफर्ट अंदर चल के देखते हैं, तो यहाँ पे जो अगली सीट्स है वो मैंने अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट की थी, फॉर द रेफरेंस मेरी हाइट 5'7" और आप यहाँ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पेस है, मतलब 2-6 फीट के बंदे भी बैठेंगे, कोई इशू नहीं होने वाला। इवन ये स्कूप्ड आउट सीट है तो डेफिनेटली वो एक प्लस पॉइंट रहने वाला है। और यहाँ पे आपको मल्टीपल पॉकेट्स दिए गए हैं, एक बड़ा मैप पॉकेट दिया गया, और साथ में अलग से दिया गया अपना फ़ोन वगैरह रखने के लिए। ऊपर की साइड भी आपको यहाँ पे लाइट्स दी गई है, जो कि आपको वाइट कलर की दी गई है, अगेन गुड थिंग। यहाँ पे आपको सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ मिल जाएगा ग्रैब हैंडल, जिसमें आपको कोट हुक मिल जाएगा, एंड दूसरी साइड भी आपको सेम सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ दिया गया है। सो तीनों यहाँ पे फिक्स्ड हेडरेस्ट दिए गए हैं, बीच में आपको मिल जाएगा आर्मरेस्ट विद ट्विन कप होल्डर, एंड जो सीट कंफर्ट है इसका काफ़ी अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। यहाँ पे जो नीचे का जो फ्लोर है ये टोटली फ्लैट है, माइनर सा हम पे बट कोई दिक्कत नहीं करने वाला। एंड जैसे आप लेग्स आगे करते हैं तो जो इसका जो स्लोप है वो कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सा लिफ्ट किया गया है, ताकि जो आपके फीट्स को और भी ज़्यादा कम्फर्ट मिल पाए। तो ये आपको वेंट्स दिए गए हैं, और नीचे की साइड आपको 2 स्लॉट्स मिल जाते हैं, एंड ये आपको 12 वोल्ट के 2 स्लॉट्स दिए गए हैं, ये अगेन गुड थिंग है, मतलब USB भी दे सकते थे बट हाँ 2 आपको 12 वोल्ट के सॉकेट्स यहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं। तो ये थी एक क्विक डिटेल्ड वीडियो इसके नए कलर के साथ, और ये ZX मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट था उसके साथ। जल्दी इसकी कुछ और वीडियोस लेके आएंगे, और ट्राई करूँगा इसका एक ड्राइविंग रिव्यू भी लेके आऊँ, जिसमें ADAS के जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो जाएंगे वाइल ड्राइविंग। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड गाड़ी भी अच्छी है, पहले से ज़्यादा मेरे को ये अच्छी लगी, स्पेशली इसके जो बम्पर और व्हील का जो डिज़ाइन चेंज हुआ है उसकी वजह से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, और फॉलो कर सकते हैं मुझे Instagram एंड Facebook पे।